to today's video and welcome to our YouTube channel. Hope you're doing good, guys. I'm back with another Myntra haul video and आज मैं आपके साथ share करने वाली हूँ special साड़ी haul. Special इसलिए क्योंकि जितनी भी साड़ियाँ हैं वो 1 minute में आप wear कर सकते हो, like palazzo साड़ी, धोती साड़ी, लहंगा साड़ी मैं आज आपके साथ share करने वाली हूँ जो बहुत easy to carry है and easy to wear है. मुझे personally palazzo साड़ी बहुत पसंद है. इससे पहले मैंने धोती साड़ी try नहीं की थी but इस बार मैं धोती साड़ी भी try कर रही हूँ. Palazzo साड़ी मैं already पहन चुकी हूँ और मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है और बहुत मेरा फेवरेट भी है. मेरे पास 2 palazzo साड़ी है पहले से. सो मैंने मिंत्रा से खरीदी है टोटल 5 साड़ियाँ और वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. एंड साथ में मैं आपको ये भी दिखाने वाली हूँ कि धोती साड़ी, प्लाजो साड़ी आप कैसे स्टाइल कर सकते हो. सो मैंने कुछ लुक क्रिएट किया है जो मैं पर्सनली स्टाइल करती हूँ. लाइक इससे पहले भी मैंने कहा कि मैं प्लाजो साड़ी वेयर कर चुकी हूँ और प्लाजो साड़ी में लाइक बोहेमियन लुक बहुत अच्छी लगती है. सो मैं कुछ इस तरीके से आपको आज का हॉल दिखाऊंगी स्टाइल करके भी. सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपके साथ करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने कभी भी चिटचैट नहीं की आपके साथ. सो आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं कुछ बातें करूंगी आपके साथ, कुछ शेयर करूंगी, कुछ सजेशन लूंगी. सो वीडियो स्किप ना करें और ये वीडियो पूरा देखें. सो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आपकी ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है एंड आपकी हील्स बहुत अच्छे लगते हैं. सो आप प्लीज़ उसका लिंक शेयर करो, आप कहाँ से लेते हो. मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं तो मैंने सोचा कि 1 मिनट में आज आपको ये मैं आंसर कर दूँ पहले, क्योंकि कमेंट में समझाना बहुत मुश्किल होता है. सो मेरी जितनी भी ज्वेलरीज है वो कुछ ऑफलाइन होती है, कुछ ऑनलाइन होती है, जिसकी हॉल मैंने ऑलरेडी बना रखा है अपने चैनल पर. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्लीज़ आप वो चेक कर ले. और अभी मेरे पास ज्वेलरी उतनी सारी नहीं है, जितनी भी थी मैंने बना रखा है और जिसकी नहीं बनाई हूँ वो क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं थी इसलिए मैंने उसको हॉल में ऐड नहीं करा था. सो अभी मेरे पास कुछ ज्वेलरीज है जो मैंने ऑनलाइन परचेज की है, लाइक अभी 5-6 ही हुए हैं तो थोड़ा सा कलेक्शन और हो जाएगा. तो मैं बहुत जल्द ज्वेलरी हॉल भी बनाऊंगी और अगर आपको पुरानी हॉल देखनी है तो आप वो जरूर से देख लो, उस पर आपको मोस्टली ज्वेलरीज मेरे मिल जाएंगे. तो बात करते हैं मेरे हील्स की जो कि बहुत लोगों को पसंद आती है मेरी हील्स. तो मैं बहुत सारे कॉमेंट आती है कि दी आप कहाँ से लेते हो, प्लीज लिंक शेयर करो, लिंक शेयर करो. तो गाइज मैं शूज अपने ऑफलाइन लेती हूँ, मैं ऑनलाइन शूज कभी नहीं खरीदती क्योंकि शूज ऐसी चीज है जिसपे मैं कंफर्टेबल देखना मुझे बहुत जरूरी होता है. लाइक अगर वो कंफर्टेबल नहीं हुआ तो मैं बिल्कुल भी वो चल नहीं सकती, वेस्ट हो जाता है. तो मैं साइज चेक करके ही शूज लेती हूँ. तो मेरे जितने भी आपको फुटवेयर मिलेंगे वो ऑफलाइन मिलेंगे, मैं दिल्ली के मार्केट से. मैं ऑलरेडी ये अपने पहले हॉल में भी बता चुकी हूँ मैंने एक शूज कलेक्शन की है कि किन्स एक शॉप है जो दिल्ली में आपको बहुत सारे मार्केट में उसकी आउटलेट मिलेगी. मैं वहाँ से शॉप करती हूँ, मुझे उसकी हील्स बहुत पसंद है. एक हील्स मेरे 2 से 3 साल चल जाती है, घिस घिस के पहनने पर भी उनकी हील्स बहुत चलती है एंड प्राइस अप्रॉक्स उनके 1200-1500 के रेंज में होती है. बट अगर आप सेल पर लेते हो तो सेल पर आपको बहुत सारे ऑफर्स मिल जाते हैं जो कि 7 अगस्त-8 जून में सेल चलती है और ये ऑनलाइन नहीं सेल करते. तो मैं हील्स वहाँ से लेती हूँ और मैं ट्राई कर रही हूँ अभी मिंत्रा से हील्स बाय करने की. अगर मेरे पास कलेक्शन हो जाती है तो मैं आपके साथ वो हॉल ज़रूर शेयर करूँगी. अगर मैं शेयर नहीं कर रही हूँ डैट मीन्स वो ऑफलाइन है. सो अभी मैंने 2 हील्स मिंत्रा से मंगाई है, अगर वो मुझे अच्छी होती है तो मैं और ट्राई करूँगी, देन मैं आपके साथ शूज कलेक्शन ज़रूर शेयर करूँगी. सो लास्ट टॉपिक जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एंड हेल्प भी चाहिए मुझे आपसे, लाइक मैं टीवी पूजा का सीरीज बनाने वाली हूँ जो कि 1 या 2 सितंबर से शुरू हो जाएगी. तो उसमें मुझे, तो आप मुझे बताएं कि आप टीवी पूजा के सीरीज में क्या देखना चाहते हैं. वोट करें, आपकी चॉइस, आपकी पसंद के आपको क्या पहनना है, आपको क्या देखना, आपको कौन सी ब्रांड देखनी है, आपके बजट क्या है, प्राइस क्या है, एवरीथिंग. क्योंकि प्राइस और ये जो बजट एक बहुत बड़ा इशू बन गया है, लाइक एवरी वन वॉन्ट बजट वाला हॉल बनाओ, बजट वाला हॉल बनाओ. तो मैं ट्राई करती हूँ मैं 1500-2000 के अंदर हॉल्स बनाऊं, बट अगर मैं 500 की कुर्तीज बनाती हूं या फिर 500 की मैक्सी ड्रेस बनाती हूं तो लोग उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते. तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं करूं क्या. सो आप ही मुझे बताएं कि आपको कौन से बजट में देखना है, आपको क्या देखना है, स्कर्ट देखना, लहंगा देखना, साड़ियां देखनी, जो भी देखनी है आप अपनी पसंद बताएं. क्योंकि मैं हमेशा इंट्रो में कहती हूँ दिस इज आवर चैनल, तो ये मैं मीन करती हूँ तभी कहती हूँ. सो जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, डिमांड है, आप बिंदास कॉमेंट में कीजिए. मैक्सिमम कॉमेंट जो भी आएगी मैं उस पर हॉल जरूर बनाऊंगी, सीरीज पे ही चलेगी, आपकी डिमांड पे चलेगी. सो बातें बहुत ज्यादा हो गई, आई गेस कि मैंने आपको बहुत बोर भी कर दिया. तो नाउ लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो. सो माय फर्स्ट आइटम इज धोती साड़ी जो कि बहुत ही खूबसूरत प्रिंटेड धोती साड़ी है एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके की इलास्टिक है, साइड में इलास्टिक दी हुई है लाइक दिस, अच्छे से आपको फिट हो जाएगी. एंड पूरे सेम प्लेन प्रिंट की पूरी ये धोती साड़ी है, कहीं पर आपको कुछ नहीं दिखेगा. लाइक कुछ इस तरीके से आती है ये एंड कुछ इस तरीके से इसकी फ्लेयर है, ये कुछ इस तरीके से दिखती है.
अटैच्ड पल्लू है एंड पल्लू में आपको प्लेट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बनी हुई प्लेट्स है. सो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे क्योंकि मुझे प्लेट्स बनाना बिल्कुल भी नहीं आता. सो कुछ इस तरीके की इसकी चुन्नी है एंड मटेरियल पॉलिस्टर है. पहनने में बहुत कंफर्टेबल लगा मुझे. फ्रेंकली अगर मैं ऐसे छूँ तो मुझे उतना कंफर्टेबल और उतनी अच्छी मटेरियल नहीं लग रही है, बट पहनने में बहुत सुपर, बहुत कंफर्टेबल लग रही है. सो मुझे कोई भी कंप्लेंट नहीं है इस धोती साड़ी से, मुझे बहुत पसंद आई. एंड उसके साथ ये सेम प्रिंट की ब्लाउज आ रही है लाइक दिस. सो ये ब्लाउज है एंड ये इसकी 3/4 स्लीव है, साइड पे जिप दी हुई है, सो आप इजीली इसे वेयर कर सकते हो. सो मुझे ये धोती साड़ी बहुत ज्यादा पसंद आई, वेयर करने के बाद बहुत सुपर स्टाइलिश लगी, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी. नेक्स्ट आइटम इज दिस ब्लू कलर लहंगा साड़ी. एक्चुअली मैं मिंत्रा के पेज पे ये प्लाजो साड़ी लिखी हुई थी, बट मुझे रिसीव हुई लहंगा साड़ी. आई डोंट नो कि वहाँ पे ये गलत क्यों लिखा हुआ था, क्योंकि मैंने प्लाजो साड़ी सोच कर इसे मंगाई थी. सो ये बहुत ही खूबसूरत ब्लू कलर है एंड पिंक एंड ऑरेंज की कॉम्बिनेशन है. कुछ इस बस फ्रंट पे यहाँ पे कुछ ऐसे प्लेट्स बने हुए हैं लाइक दिस. ये प्लेट्स बने हुए हैं, 2 या 3 प्लेट्स है यहाँ पे, और नीचे की तरफ कुछ भी नहीं है, पूरा प्लेन है लाइक इस तरीके से. और पूरे एंड पे ये एक लेयर बनी हुई है लाइक ये बंधनी की, जो कि रफल्स लेयर है. सो ये बनी हुई है एंड अटैच पल्लू है इस पे भी लाइक दिस. ये अटैच पल्लू इस तरीके से आता है पिंक कलर की एंड ये एक तरह से आपको ये रफल मिलेगी साइड के एक तरफ पे, पूरे रफल्स बने हुए हैं. सो ये पल्लू है इसकी एंड ये लहंगा साड़ी है, मटेरियल कॉटन है, तो पहनने में तो बहुत कंफर्टेबल लगा. बट ये एक चीज़ इसकी अच्छी लगी मुझे कि लाइक अभी डांडिया और नाइट पे आप ये डीबी पूजा के डांडिया नाइट पे आप इसे वेयर कर सकते हो, पहन के बिल्कुल वैसी फीलिंग आई. तो मटेरियल बहुत कंफर्टेबल है, बट मुझे लहंगा साड़ी नहीं चाहिए थी, मुझे चाहिए थी प्लाजो साड़ी. सो मिली ये लहंगा साड़ी, तो आई डोंट नो मैं इसका क्या करने वाली हूँ. सो इसके साथ आती है रेडीमेड ब्लाउज. लाइक अभी मोस्टली सबके साथ रेडीमेड ब्लाउज ही मुझे मिली है. ये थोड़ा सी थ्रू है लाइक आपको अगर कैमरे में दिख रहा है तो. एंड इसकी जो बैक है वो बहुत ज़्यादा डीप है लाइक दिस, बहुत ज़्यादा डीप है एंड मुझे बहुत ज़्यादा लूज हो रही थी, तो मैंने इसे फ्रंट पे ऐसे टाई करके पहना. अगर आप लुक बुक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने टाई करके पहना, मुझे बहुत लूज हो रही थी. एंड स्लीव के एंड पे ये बनी हुई है सेम पल्लू की प्रिंट एंड आप देख सकते हैं कि थोड़े से फ्रंट नेक लाइन पे भी है. सो ये पहनने पे बहुत कंफर्टेबल है, अगर आपको डांडिया नाइट के लिए चाहिए तो उनके लिए परफेक्ट है, आप इसे बाय कर सकते हैं. प्रिंट धोती साड़ी, इस हॉल में मैंने 2 धोती साड़ी मंगाई है एंड कुछ इस तरीके का है. पहले मैं बता दूं कि लार्ज साइज है और ये मुझे बहुत लूज हो रही है, तो थोड़ा सा मैंने फ्रंट पे इस पे ऐसे क्लिप लगाकर वेयर करा है, क्योंकि ये मेरी नहीं है लाइक मेरी फैमिली मेम्बर में किसी की है, सो मैं मीडियम साइज नहीं मंगा सकती थी. सो मैंने किसी तरीके से एडजस्ट करके उसे वेयर कर लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मैं मंगाऊँ देन फिर वापस करूँ फिर उनके साइज का मंगाऊँ. तो ये लार्ज साइज है, कुछ इस तरीके के साइज है एंड पीछे से इलास्टिक है, तो ये एक्सल तक फिटिंग आराम से आ जाएगी. एंड ये प्रिंट्स इसके हैं, फ्रंट पे कुछ भी नहीं है लाइक 2 प्लेट्स ऐसे बने हुए हैं इस तरीके से.
और फ्रंट जैसे जाती है ना ये पूरी धोती वाली लुक आपको मिलेगी लाइक दिस. आपको दिख रहा है कि नहीं? सो फ्रंट बैक ये इसके नीचे की पोर्शन है. ये देखिए ये इसके नीचे की पोर्शन है. यहाँ पे बस आपको पैर डालने की जगह है. सो तो कुछ इस तरीके से नीचे से ये धोती साड़ी दिखती है और अटैच पल्लू है इस पर भी. सेम डिज़ाइन के अटैच पल्लू है. सो इस पर प्लेट्स नहीं बने हुए हैं. प्लेट्स लाइक आपको बनानी पड़ेगी. सिर्फ एक साड़ी पे प्लेट्स बनी हुई थी और ये कुछ इस तरीके से अटैचल बने हुए हैं. सो इसकी जो लेंथ है दुपट्टे की लाइक पल्लू की वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है. परफेक्ट पार्टी वेयर है. बहुत अच्छी साड़ी है. लुक बहुत औसम, बहुत क्लासी, बहुत ही अच्छी लुक दे रही है. बट ये फॉइल प्रिंट का टेंशन है, ये जा सकती है. तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप इसे ड्राई क्लीन ही करवाएं, घर पर वॉश बिल्कुल भी नहीं करें. और मैं ये कहूँगी कि लाइक इस टाइप की साड़ी आप डेली यूज़ तो कर नहीं सकते हैं. दो महीने एक महीने में आप एक बार वेयर करोगे किसी पार्टी में. तो फॉइल प्रिंट्स आप ले सकते हैं, ड्राई क्लीन करा सकते हैं और गॉर्जियस लग सकते हैं क्योंकि बहुत गॉर्जियस साड़ी. इसके साथ मुझे रेडीमेड ब्लाउज रिसीव हुई है जो नेकलाइन कुछ इस तरीके से कटवर्क एक सामने दी हुई है और इस तरीके की इसकी स्लीव्स है. बैक पे पूरी जिप बनी हुई है, लाइक फुल जिप ओपन होती है. मटेरियल इसकी पॉलिस्टर है एंड बहुत ही ब्लाउज की मटेरियल अच्छी है, पसंद आई मुझे क्योंकि थोड़े से पार्टी वेयर टाइप मटेरियल है तो बहुत सारी साड़ी में आप और यूज कर सकते हैं. सो ये भी मुझे लूज हो रही थी तो मैंने फ्रेंड से टाई करके इसे वेयर करा है. अपने ब्लाउज पे ये हॉल बना दिया. आई डोंट नो कि वो एक्सचेंज होगा, रिटर्न होगा, क्या होगा, मुझे कोई भी आइडिया नहीं. बट मेरी फेवरेट ये साड़ी, मुझे बहुत पसंद आई. सो कुछ इस तरीके से सामने से ये दिखती है, ब्लू कलर में है एंड बैक पे अगेन ये इलास्टिक है. और ये भी धोती साड़ी है, बहुत ही खूबसूरत धोती साड़ी है ये. लाइक कुछ इस तरीके से आती है. इस नीचे का पोर्शन आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि धोती साड़ी की लुक कैसी आ रही है. सो कुछ इस तरीके की ये धोती साड़ी आती है एंड नीचे की तरफ बस ये एक पैंट, ये एक होल दी हुई है पैंट डालने के लिए. और फिर कुछ इतनी लंबी आती है कुछ इस तरीके से. मैं नीचे का पोर्शन आपको दिखा रही हूँ और कुछ ऐसे आप बस ये डाल सकते हो. तो ये पूरी धोती वाली लुक आती है एंड इस पे भी अटैच पल्लू है लाइक दिस. मटेरियल इसका बहुत सुपर फाइन है, मुझे इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा पसंद आई एंड मैं इसे रिकमेंड करूँगी. आप इसे ले सकते हैं क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल है और इस पे मैंने खुद का ब्लाउज वेयर करा है तो ये बहुत ही ऑसम लग रहा है. मुझे पर्सनली ये सबसे अच्छी लगी. आप मुझे बताएं कि आपको कौन सी अच्छी लगी क्योंकि मोस्टली ऐसे साड़ीज़ पर अगर आप खुद का टॉप क्रॉप टॉप वेयर करते हो तो उसकी लुक कुछ और ही हो जाती है. तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है.
नेक्स्ट साड़ी ये येलो कलर की प्लाजो साड़ी है जो मेरे पास अभी नहीं है, मेरे सिस्टर की है ये, वो ले गई है ये. सो अभी मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकती हूँ, बट मैं आपको एक आइडिया देने के लिए ये शॉर्ट वीडियो लगा रही हूँ यहाँ पे कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि ब्लाउज के साथ ये साड़ी कैसी लगती है. ब्लाउज सेमी स्टिच है, आपको स्टिच करानी पड़ेगी अपने साइज से. जो प्लाजो साड़ी है आप कितने भी मोटे हो पतले हो वो आपको फिटिंग आ जाएगी, क्योंकि वो जो साइज उस जो प्लाजो साड़ी की साइज है वो कुछ इतनी है, लाइक इतनी है. सो वो डबल एक्सेल हो, एक्सेल हो, स्मॉल हो, मीडियम हो, सबको आ जाएगी. लाइक उस पर नारा दिया हुआ है तो नारा को आप टाइट से बांध लो, प्लेट्स बना लो और इजिली वेयर कर लो. सो कुछ इस तरीके से ये साड़ी दिखती है. मैंने उसको खुद के ब्लाउज के साथ वेयर करके आपको एक लुक दिखाया है, क्योंकि अफकोर्स मेरी नहीं है तो मेरे सिस्टर उसे स्टिच कराएगी. सो आप मुझे आप जरूर से बताएंगे आपको कौन सी साड़ी अच्छी लगी. आई होप कि तो लाइक कर दे एंड सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को, और कमेंट में मुझे जरूर से बताए कि आपको कौन सी साड़ी अच्छी लगी. एंड मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे. बाय.